शरजील शहर में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में भड़काऊ स्पीच देने के मामले में शरजील उस्मानी के खिलाफ आखिरकार मामला दर्ज किया गया। कल देर रात ये मामला स्वारगढ़ पुलिस थाने में एडवोकेट प्रदीप गावड़े की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शरजील उस्मानी ने हिंदू धर्म के बारे में आक्षेपार्ह टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। शरजील उस्मानी पर धारा 153A भड़काऊ भाषण देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज 3 दिन के सतत प्रयास के बाद पुणे पुलिस ने आखिरकार शरजील उस्मानी के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। हमने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके खिलाफ भारत के तमाम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए और समाज में तनाव की परिस्थिति निर्माण करने के लिए गुना दाखिल किया जाए, जो आज पुणे पुलिस ने IPC की धारा 153A के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमने पुणे पुलिस से ये रिक्वेस्ट की है कि शरजील उस्मानी के खिलाफ IPC 124A के अंदर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि वो इंडियन पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करते, वो इंडियन स्टेट में बिलीव नहीं करते, जुडिशरी में बिलीव नहीं करते। ये क्लियरली 124A के अंदर ऑफेंस है, तो हमने पुणे पुलिस से कहा है कि उसको 124A के अंदर भी बुक किया जाए। पुणे पुलिस ने इसके ऊपर कहा है कि वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बुक करेंगे। हमने साथ ही में पुणे पुलिस से ये भी कहा है कि जो आयोजक है एल्गार परिषद के, उनके खिलाफ भी याचिका दायर, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि हमको पता है 2 साल पहले जब पुणे में एल्गार परिषद हुई थी, उसके बाद दंगे हुए थे जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए हमने पुणे पुलिस से ये रिक्वेस्ट की है कि इस बार भी शरजील उस्मानी को बुलाकर भड़काऊ भाषण देकर आयोजक क्या हासिल करना चाहते थे, उनकी मंशा क्या थी, इसके लिए उनका भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट भी हमने आयोजक पुणे पुलिस से की है। वहीं दूसरी ओर एल्गार परिषद के आयोजक बीजे कोलसे पाटिल, पूर्व न्यायाधीश समेत परिषद में उपस्थित रहे प्रवक्ता अरुंधति रॉय, मुशरिफ और शरजील उस्मानी पर भी मामला दर्ज कराने की मांग पुणे के ब्राह्मण महासंघ द्वारा की जा रही है। इसके लिए आज स्थानीय पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साथ ही भविष्य में एल्गार परिषद लेने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी मांग भी की गई है। 2 साल पहले जब पुणे में पहले एल्गार का आयोजन हुआ था, उस वक्त भी हमने शंका जताई थी कि इस एल्गार से हिंदू विरोधी वक्तव्य आएंगे और महाराष्ट्र का और देश का जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण जो है वो बिगड़ने की शक्यता है, बिगड़ने का चांसेस है, और वो अनफॉर्चुनेटली वो प्रूव हो गया। इस बार ये सेकंड एल्गार के लिए भी हमने यही आशंका बताई थी, भले वक्ते दूसरे हो लेकिन आयोजक वही है, बैनर वही है, और जो मेन कंसेप्ट है उनका वो भी वही है कि इस देश में हिंदुओं के बारे में जहर उगला जाए। परसों वही हुआ, हिंदुओं ने बॉम्ब फोड़े और मुस्लिमों को गिरफ्तार कर दिया। ये बोलने वाला मुशरिफ, ये देश हिंदुओं का है ही नहीं, ये कहने वाली अरुंधति रॉय, और इस देश का हिंदू सड़ा हुआ है, ये कहने वाला शर्वीर जैसे वक्ते अगर उस व्यासपीठ पे आते हैं, वो स्टेज पे आते हैं, ये गलती सिर्फ उनकी नहीं है, उनको बुलाने वाले आयोजकों की भी है। इसलिए हमारे डिमांड के ऊपर जो आज उनके ऊपर FIR दाखिल हुई है, उससे हम समाधानी नहीं है। जो मुख्य आयोजक है एल्गार के, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके बारे में भी केस का गुने दाखिल होने चाहिए, FIR होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।